Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with your third chapter from your history book for class tenth, nationalism in India, and this is the second video from this chapter. I have already first video from this chapter, and in which we discussed about the idea of Satyagraha, rollet Act, the wala Bagh massacre. Uh, first World War and its consequences, non cooperation movement, and Khilafat movement. So, these topics we discussed uh, already in that video. If you don't see that video, then first of all, please check out the video, and only after that, you are able to understand our today's topic. So, let's get started. So, my dear. स्टूडेंट्स हम बात कर चुके थे कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1990 सॉरी 1909 में पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों होना चाहिए उन्हें लगता था कि इंडियंस सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को इसीलिए ब्रिटिशर्स रूल कर पा रहे हैं यदि इंडियंस अपना सपोर्ट खींच लें या वापस ले लें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए रूल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सो so, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना चाहिए और अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी के बीच में ऑलरेडी एक यू कैन से समझौता हो चुका था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ इस लड़ाई में चाहिए हम चाहते हैं कि उन uh, दोनों के बीच में यूनिटी हो तो इसीलिए उन्होंने uh, और uh, कांग्रेस ने भी उसको परमिशन दे दी थी तो फाइनली जनवरी 1929 में द नॉन कॉपरेशन और ख़िलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इसी मूवमेंट के टाइम पर महात्मा गांधी ने आ, जो आइडिया दिया था वो दिया था स्वराज स्वराज आप उसे वो हिंदी में समझें तो स्व का मतलब होता है अपना और राज का मतलब होता है शासन यानी हमारा खुद का शासन लेकिन जो गांधी जी का आइडिया था स्वराज का जो मीनिंग था स्वराज का लेटर ऑन डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाला और आज हम यही बात करेंगे कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने उसका क्या मीनिंग निकाला सो so, जब मूवमेंट स्टार्ट होता है तो टाउन में उसकी क्या पोजीशन है पहले हम ये देख लेते हैं जब सिटीज़ के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जो मिडिल क्लास थी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसका देखने को मिला स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज को का बायकॉट कर दिया जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल थे सबका बायकॉट कर दिया हेडमास्टर और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और काउंसिल इलेक्शंस जो होने वाले थे उनका भी बायकॉट कर दिया गया बट देर वॉज़ अ पार्टी जस्टिस पार्टी इन मद्रास जो प्रि प्रोविंसिस थी उसके अंदर एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स पार्टी थी और इन्हें लगता था कि हमें यदि अपने अधिकार अपने राइट हमें चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्शन लड़ें और इसलिए केवल यही एक पार्टी थी जिसने काउंसिल इलेक्शन का बाइकऑट नहीं किया बाकी सब ने इलेक्शंस का, का बहिष्कार किया स्कूल कॉलेजेस को बायकॉट किया लॉयर्स ने कोर्ट्स में जाना छोड़ दिया <coughs> यह तो एक जनरल मॉल एक इम्पैक्ट था लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी इसको बहुत ही आ, जो कॉपरेशन था जो हम कॉपरेट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उसको खींचा गया इकनॉमिकली जब हम बात करते हैं तो जितने भी फॉरेन गुड्स थे यानी कि बाहर से विदेश से जो भी सामान आता था उसका बायकॉट किया गया लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया गया पिकेटेड का मतलब होता है कि एंट्री का जो गेट होता है उसको क्लोज कर देते हैं और वहीं पर उस एंट्री गेट पर ही जो लोग हैं वो अपना रेवोल्यूशन करते हैं अपनी क्रांति करते हैं तो पिकेट जो लिकर शॉप्स थे उनको पिकेटिंग कर दिया गया जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनका एक होली जलाई गई बोन फायर किया गया और 1921 से 22 के बीच का यदि हम उस एक साल के बीच का यदि हम गैप देखते हैं तो जो ट्रेड था वो 102 करोड़ से सीधा 57 करोड़ रुपया आ गया तो आप समझ सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली कितना लॉस कितना बड़ा लॉस हुआ होगा जो लोग हैं उन्होंने जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स थे उनको पहनना छोड़ दिया तो इससे एक फ़ायदा हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे या हैंडलूम्स थे उनकी उनमें प्रोडक्शन तेज़ हो गई उनको बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि अब आ, कोई भी इम्पोर्टेड क्लोथ्स को नहीं पहन रहे थे सभी लोग जो हैं वो अपने यहाँ पर बने हुए कपड़ों को पहनना चाह रहे थे जिससे यहाँ इंडियन टेक्सटाइल्स और हैंडलूम्स को आ, काम मिला और उनकी प्रोडक्शन बढ़ने लगी बट सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स यदि हमें किसी रिवल्यूशन को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट हमें पब्लिक को देना चाहिए अब यहाँ पर हम फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट कर रहे हैं लेकिन हमने जो हमारी पब्लिक थी जो पुअर पब्लिक थी स्पेशली उन्हें कोई सब्सटीट्यूट दिया ही नहीं ओके डोंट गेट कन्फ्यूज आई एक्सप्लेन देखिए फॉरेन गुड्स जो होते हैं वो मशीनों में बनते थे यहीं से कपड़ा ले जा रॉ मटेरियल ले जा करके के वहाँ से कपड़ा तैयार करके वापस लाया जाता था और मशीनों में बनने वाला जो कपड़ा होता था वो फाइन क्वालिटी का होता था यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होता था लंबे समय तक चलता था और बहुत ही चीप होता था बहुत ही सस्ता होता था और जल्दी बन के तैयार हो जाता था उसी चीज़ को यदि हम हाथ से बनाते हैं तो उतनी फ़ाइन क्वालिटी हमें नहीं मिलती ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं चलता और मशीनों से बने हुए कपड़े के कंपैरिजन में वो काफ़ी महंगा होता है तो यहाँ के लोगों ने जब फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया तो उनके पास एक ही ऑप्शन था एंड दैट इज खादी लेकिन खादी जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही महंगा था और जो पुअर पीपल हैं दे कुड नोट अफोर्ड टू बाय एट जब ऐसे में लोगों के पास कोई सब्सटीट्यूट नहीं है बायकॉट किए गए, गए गुड्स को लेकर के उनके पास कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो वो कब तक उस मूवमेंट को स्टार्ट रखते और यही वो प्रॉब्लम्स थी जो महात्मा गांधी ने या हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा और जैसे जैसे मूवमेंट लंबा चलने लगा तो लोगों को सब्सटीट्यूट नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से वो उस मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाए और मूवमेंट की जो स्पीड थी वो स्लो डाउन हो गई यानी लोगों का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया अब उसके कन्सिक्वेंसिस क्या हुए ऑब्वियसली क्या कंसिक्वेंस होंगे जिस जिस चीज़ का बायकॉट कर रहे थे वो सभी चीज़ें उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर ली स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने स्कूल जाना शुरू कर दिया लॉयर्स ने अपनी जो कोर्स थे वहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो जिस मुद्दे को लेकर के सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से मूवमेंट जो है स्लो डाउन हो गया बहुत ही कम हो गया ये तो हमने बात की सिटीज़ की अब हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की कंट्री साइड एरिया की वहाँ पर क्या चल रहा था जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ के स्पेशली इस एम में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे वो पीजेंट्स थे या फिर ट्राइबल पीजेंट्स थे ठीक है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उसको पार्टिसिपेट कर रहे थे बट इन लोगों ने जो महात्मा गांधी ने स्वराज का मीनिंग जो एक ह्यूज मीनिंग दिया था उनका इन लोगों ने अपना ही एक अलग मीनिंग निकाल लिया और यहाँ पर भी गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई यानी कि वो अपना स्वराज का आइडिया लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाए रियल मीनिंग ऑफ स्वराज अब उन लोगों ने क्या मतलब निकाला ये हम देखते हैं हम बात करते हैं अवध की अवध के अंदर जो पीजेंट्स जो थे वो एक रैबल कर रहे थे और वो किस लिए रैबल कर रहे थे कि वहां पर बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे वो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे और मूवमेंट क्या था उनका ये मूवमेंट था वहाँ के तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो कि पीजेंट्स से हाई रेंट्स और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेस यानि कि टैक्स इम्प्लीमेंट करते थे और ये जो और बाबा रामचंद्र थे ये ख़ुद एक इंडेंटोड लेबर थे अब इंडेंटर्ड लेबर होते कौन हैं जब कॉलोनियल टाइम पर बहुत सारे लोगों को फिजी गयाना वेस्ट इंडीज़ ऐसी जगहों पर एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ले जाया जाता था वहाँ पर काम करने के लिए उनको ले जाया जाता तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था और उस कॉन्ट्रैक्ट को उस एग्रीमेंट को इंडेंटोड कहते थे धीरे धीरे करके उन लेबर्स को इन लेबर्स कहा जाने लगा जिसे हिंदी में शब्द है गिरमिटिया ठीक है एग्रीमेंट को गिरमिट और उन मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा तो इन डेंटोड लेबर्स वो होते थे जो क्लोनियल टाइम में फिजी गयाना वेस्ट इंडीज़ जैसे एरियाज में लेबर लेबर के रूप में वहाँ पर उनको ले जाया गया था तो बाबा रामचंद्र भी वहीं पर ऐसे ही पहुँचे पहुँचे थे लेकिन जब वो यहाँ पर वापस आए तो उन्होंने पेजेंट्स के लिए फ़ाइट करना शुरू कर दिया अब उन्हें लग आ, किसानों को जो पेजेंट्स थे उनको बेगार भी करवाई जाती थी अब बेगार क्या होती हैं बेगार होती हैं आपसे काम करवा लिया जाए लेकिन आपको सैलरी ना दे ठीक है आप, आपको आ, फ्री में फोर्स किया जाता था कि आप फ्री में काम करें आप उसके पैसे नहीं मांगेंगे तो उसको बेगार कहा जाता है तो वहाँ के पेजेंट्स के लिए लिब सॉरी स्वराज का मतलब क्या था इन तालुकदारों और इन लैंड से मुक्ति अब इन्होंने क्या किया इनकी डिमांड सी कि जो भी ये लैंड हैं ये रिडक्शन दी रेवेन्यू रेवेन्यू को कम करें बेगार को ख़त्म करें और सोशल बायकॉट ऑफ ओप्रेसिव लैंड ऐसे ही लैंड लॉर्ड्स का सोशल बायकॉट किया गया यानी कि पूरे सोसाइटी ने उनको बायकॉट कर दिया उनके वहाँ पर कपड़े धोने के लिए यानी वॉशरमैन और हेयर कट करने के लिए जो धोबी या नाई होते थे उनकी सर्विसेज को भी बंद कर दिया कि वो लोग भी उनके वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनके लिए स्वराज का अवध के पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था लैंड लॉर्ड्स और ताल्लुक़दारों के द्वारा लगाए गए रेवेन्यू को कम करना बिगार को ख़त्म करना उनके कंट्रोल में जो ज़मीन है वो पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना दैट इज़ ओनली द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर दैट पीजेंट्स ठीक है अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो है ट्राइबल पीजेंट्स का जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था गुडेम हिल्स के अंदर असम के गुड गुडेम सॉरी आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में जो पीजेंट्स थे वो गुरिल्ला मूवमेंट चला रहे थे अब गुरिल्ला मतलब क्या होता है जो गुरिल्ला होता है आपने देखा होगा चिंपांजी जिसको हम बोलते हैं वो छिपकर अटैक करता है जो लोग ऐसी टेक्निक अपनाते हैं फिर उसको गुरिल्ला वार कहा जाता है यानी कि गुरिल्ला के जैसे आप छिप करके वार कर रहे हो सामने से आप फाइट नहीं कर रहे हो तो उन किसानों ने गुरिल्ला टेक्निक अपनाई थी और उस टेक्निक में उन्होंने जिस तरह का मूवमेंट वो चला रहे थे कांग्रेस ने उस तरह का मूवमेंट कभी भी नहीं चाहा था क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं वो तो स्टार्टिंग से ही वायलेंस के अगेंस्ट थे वो तो नॉन वायलेंस को ही अपना वेपन बनाकर लड़ आ, लड़ रहे थे अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट क्यों थे गुडेम हिल्स के जो लोग थे उन्होंने आ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक फॉरेस्ट एक्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट करके जो ये फार्मर्स थे इनको फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर जाना बंद कर दिया इवन वो अपने पशुओं को चराने के लिए या फिर फ्यूल वुड और फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए भी उन फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते थे जो लोग हमेशा से ही फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे अचानक से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनका उन फॉरेस्ट के अंदर जाना बंद कर दिया जिससे उन्हें लगा कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो उनसे छीन लिए गए और जब उनसे रोड बिल्डिंग या रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब बिगार करने के लिए कहा उनसे फ्री में काम करने को कहा तो उन उन्होंने क्या किया वो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने और उनके इस रिवोल्ट को लीड किसने किया वहाँ पर भी एक पर्सनालिटी थे अल्लूरी सीताराम राजू अब ये अलूरी सीताराम राजू एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे आ एक तरह से कह सकते हो इसने अपने आप को उन लोगों के सामने ऐसे दिखाया जैसे वो सुपर हीरो है जैसे आपकी मूवीज़ में होते हैं समथिंग लाइक दैट ओके सुपर हीरो मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेशल पावर्स वो जो भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन करता है बिल्कुल ठीक करता है लोगों को ठीक कर सकता है यानी कि लोगों को चाहे कितनी भी कोई बड़ी बीमारी क्यों ना हो उसके पास ऐसी स्पेशल पावर है वो उनको ठीक कर देता है और गोलियों से भी उसको नहीं मारा जा सकता ठीक है अब आप समझ गए किस तरह का सुपर हीरो था जो प्रिडिक्शन करता है बिल्कुल ठीक करता है लोगों की बीमारियां ठीक कर देता है सुपर पावर्स हैं उसके पास और उसको गोलियों से भी नहीं मारा जा सकता यानी कि वो लोगों को लगा कि अरे वाह ये तो इनकारनेशन ऑफ गॉड है यानी भगवान का अवतार है जिसे स्पेशली हमारे लिए ही भेजा गया है हमारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करने के लिए अब जो राजू जो हैं वो हमेशा ही महात्मा गांधी की बातें करते थे कि महात्मा गांधी बहुत ही महान पर्सनालिटी हैं जब वो आएंगे तो स्वराज लाएंगे और आपको आपके सारे राइट्स जो हैं वो वापस मिल जाएंगे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो लोगों को पहले से ही महात्मा गांधी के बारे में इतना डिटेल में बताया था अल्लूरी सीताराम राजू ने कि लोग जो है वो आ, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का खुद ब खुद पार्ट बन गए खादी को प्रमोट करना ये सब वो करते थे लेकिन जो मेन आइडियोलॉजी थी वही वो गांधी जी से मैच नहीं कर पा रहे थे और मेन आइडियोलॉजी क्या थी उनका मानना था दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय यूज ऑफ फोर्स बट नॉट नॉन वायलेंस इंडिया को फ्रीडम मिलेगी ताकत के बल पर फोर्स के बल पर ना कि अहिंसा से अब आप समझें यानी कि मेन आइडियोलॉजी जो थी वही मैच नहीं कर रही है और अपने आप को महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भक्त बता रहा है बट जो मेन आइडियोलॉजी है महात्मा गांधी की वही फॉलो नहीं कर रहा है और अब जो गुडेम के रेल थे उन्होंने पुलिस थानों पर हमला शुरू कर दिया जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको किल करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने स्वराज को प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिए जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या चुप रहती बिल्कुल भी नहीं उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट चलाए और एट लीस्ट नाइन्टीन में जो राजू थे उन्हें पकड़ लिया गया और 1924 में फांसी पर लटका दिया गया डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको गांधी जी के स्वराज के दो एग्जाम्पल आपको बताए हैं अवध के किसानों ने स्वराज का मतलब समझा था तालुकदारों और लैंड लॉर्ड्स से जो रेवेन्यूज़ उन्होंने लगा रखे हैं उनको कम करें बेगार को ख़त्म करें जो लैंड उनके पास है वो उनके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ठीक है और जो गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश के जो पीजेंट्स थे यानी कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था फॉरेस्ट लॉ के अंदर जो जो रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई गई हैं वो सब हट जाए अब हम बात करते हैं कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने स्वराज का क्या मतलब समझा असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने भी उस स्वराज का जो नोशन था महात्मा गांधी का उसको एक डिफरेंट व्यू में लिया प्लांटेशन वर्कर्स असम के उनके लिए Freedom ka matlab tha right to move freely in and out of the confined space in which they were uh, they were enclosed and it meant retaining a link with the village from they had come. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. इन फैक्ट दे रेयरली गिवन सचपा मिशन असाम के जो प्लान वर्कर्स थे 1859 में एक ला, इन लैंड इमिग्रेशन एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई जिसके अंदर जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो अपने घर नहीं जा सकते थे उन्हें उस बाग़ान के चारों तरफ जो चारदीवारी होती थी उसी के अंदर रहना होता था तो उन प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का लिबर्टी का मतलब क्या था उनके लिए स्वराज या लिबर्टी का मतलब था केवल इस कन्फाइंड एरिया से मुक्ति और वापिस अपने गांव जाना उनके लिए बस यही स्वराज था अब इसके लिए उन्हें लगा कि महात्मा गांधी जो हैं वो असहयोग आंदोलन चला रहे हैं तो हजारों की संख्या में थाउजेंड्स जो वर्कर्स थे उन्होंने भी उस जो अथॉरिटी थी उसका ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया और अपने प्लांटेशंस को छोड़ करके वो अपने घर की तरफ चल दिए क्योंकि उन्हें लगा था कि गांधी राज आने वाला है और गांधी राज में उन्हें इस तरह कन्फाइंड एरिया के अंदर बंद करके नहीं रखा जाएगा बट बैड लक उनकी किस्मत ख़राब थी कि उसी समय पर रेलवे और जो स्टीमर्स होते थे उनकी स्ट्राइक चल रही थी जिसकी वजह से वो वहाँ उस कन्फाइंड एरिया से भाग ही नहीं पाए पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उन्हें मारा गया पीटा गया और वापस से उनको उन कन्फाइंड एरियाज़ में जा कर के बंद कर दिया गया सो दिस वॉज द थर्ड एग्जांपल ऑफ व्हाट पीपल अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्वराज अब गांधी जी को लगा कि मैं कुछ कह रहा हूँ और ये लोग कुछ समझ रहे हैं तो इसके लिए मुझे स्वराज का मीनिंग डिफाइन करना चाहिए था लोगों ने इसको गलत समझ लिया है तो महात्मा गांधी ने लेटर ऑन नारा दिया स्वतंत्र भारत उन्होंने स्वराज के आइडिया को वही ड्रॉप किया और कहा कि हम स्वतंत्र भारत चाहते हैं हम भारत को स्वतंत्र करना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से ताकि लोगों को उनकी भाषा में समझ आए कि मैं क्या चाहता हूं और मैं किसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं क्लियर यस yes. इसके बाद है नाउ कम टू आर नेक्स्ट है अब जब फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेंगे क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो मूवमेंट है और इसका जो रियल मीनिंग है वो मैं लोगों को समझा नहीं पाया और लोग जो हैं वो वायलेंस कर रहे हैं और ये और ज़्यादा वायलेंट हो सकता है इसलिए मुझे इसको वापस लेना होगा अब नाइनटीन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके बाद से इन्हें लगा कि पूरी कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्हें लगा कि प्रांतीय जो परिषद है उसके चुनावों में हमें हिस्सा लेना चाहिए यानी कि जो प्रोविनेशियल काउंसिल्स हैं उनके इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि हम बाहर रहकर ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ हैं उनका उनको ओपोज कर रहे हैं उनको उनका विरोध कर रहे हैं कब बनने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है और तब हमें पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेकर आई है तब हम उसका ओपोज करते हैं उसका विरोध करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा इन्हें लगा कि जब ये पॉलिसीज़ बन रही होती हैं तभी हमें इनको वहाँ जाकर सजेस्ट करना चाहिए कि दिस वॉज़ नॉट गुड फॉर आस और इसके लिए ज़रूरी था कि वो उस पॉलिसीज़ बनाने वाले टीम का हिस्सा बने और वो कब बनेंगे जब वो प्रोविनेंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस को जीतेंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इन्हें लगा कि हम इन नीतियों को तभी सुधार सकते हैं जब हम उस डेमोक्रेटिक जो यूनियन है उसका पार्ट बनेंगे और इसी के चलते सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया अब कुछ लोग चाहते थे कि हमें प्यार से और बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने अपने फेवर में पॉलिसीज़ बनवा सकें जबकि कुछ लीडर्स ऐसे थे कि उन्हें लगता था कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला और हमें वायलेंट होना पड़ेगा हमें अपनी फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा तभी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने फेवर में पॉलिसीज़ बनाने के लिए कंपेल कर सकते हैं जब ये दोनों डिबेट और डिस्कशन चल रहा था तो दो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट थे जिसने उस समय की जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसको एक अलग ही शेप दी और पहला सबसे पहला था द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब जब करेंसी जो होती है आर्थिक महामंदी यानी कि जो करेंसी होती है उसके रेट गिर जाते हैं और जो गुड्स होती हैं उनकी रे उनके रेट्स बढ़ जाते हैं तो आर्थिक महामंदी हो गई थी जिसकी वजह से 1926 में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे उनकी कीमतें ग, गिरने लगी थी और 1930 तक आते आते तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था उनकी डिमांड इतनी कम हो गई थी कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को बेच ही नहीं पा रहे थे और जब तक वो अपनी फसल बेचेंगे नहीं तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा करेंसी नहीं आएगी और जब तक करेंसी नहीं आएगी वो अपना रेवेन्यू या टैक्स नहीं पे कर पाएंगे तो दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ हार्डशिप्स यदि वो रेवेन्यू नहीं पे करते हैं तो उन्हें टॉर्चर किया जाएगा लैंड के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तो किसानों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उसी समय पर टोरी गवर्नमेंट आ गई थी यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के वो टोरी थे जिन्होंने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ए, उनके नेतृत्व में एक कमीशन नियुक्त किया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किसने किया था टोरी गवर्नमेंट ने यह आपको याद रखना है और ये एक लीगल आप कह सकते हो लीगल कमीशन था जिसे भारत के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चेंजेज होने चाहिए वो सजेस्ट करने के लिए इसे स्पेशली इलेक्ट किया गया था बट जैसा कि मैंने पहले कहा जब कांग्रेस ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना क्यों चाहा क्योंकि जब तक इंडियंस उन पॉलिसीज के जाकर के उन पॉलिसीज़ को बनाते वक्त ही नहीं सजेस्ट करेंगे उनमें नहीं सजेशंस देंगे तब तक वो बाहर रहकर उसको नहीं सुधार सकते तो ऐसा ही जब हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो ज़रूरी है कि हमारी प्रॉब्लम्स सुनने के लिए हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने के लिए वहाँ कोई हमारा ही मेंबर होना चाहिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती हैं वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है जो पॉलिटिकल लीडर को या किसी ट्रेडर को प्रॉब्लम होती है वो एक ट्रेडर ही समझ सकता है तो सेम उसी कॉन्सेप्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के लिए बन रहा है तो इंडियंस बेटर जानते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए लेकिन टोरी गवर्नमेंट ने जो सेवन मेंबर्स का कमीशन बनाया उसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था तो इसलिए भारतीयों ने इंडियंस ने उनको क्या किया बायकॉट कर दिया उनका बहिष्कार किया जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है तो साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं के बैनर दिखाए जाते हैं काले झंडे काली पट्टियाँ बांध करके उसको आ, उसका विरोध किया जाता है उसको ओ, 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 ओपोज किया जाता है और कहा जाता है कि आप वापस चले जाइए जब ये हिंसा बढ़ ही रही थी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसके अंदर पार्टिसिपेट किया अब लॉर्ड इरविन उस समय जो हमारे यहाँ पर लीडर थे उन्हें लगा कि अरे ये तो प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है और ऐसे इन लोगों को शांत नहीं किया जा सकता तो वो एक अक्टूबर 1929 में एक डोमिनियन स्टेट स्टेट्स बनाने का को अनाउंस कर देते हैं और ये नहीं बताया जाता है कि वो डोमिनियन स्टेट्स कब बनेगा फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जितना भी फ्यूचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम रख लेते हैं और आप लोग वहाँ आइए और हम वहाँ बैठ कर के उस पर बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए अब जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर्स थे उन वो बहुत ही आक्रामक हो रहे थे उन्हें लगा कि अरे ये तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा लेकिन जो उदारवादी और जो मध्यम मार्ग यानी कि जो लिबरल्स और मॉडरेट्स जो लीडर्स थे लिबरल और जो मॉडरेट जो लोग थे वो चाह रहे थे कि शायद ये एक अच्छा प्रस्ताव है और हमें इस पर एक बार जरूर डिस्कशन करना चाहिए एंड हेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिसंबर 1929 में महात्मा गांधी सॉरी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस सेशन कांग्रेस का होता है जिसमें ट्वेंटी जनवरी 1930 को इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे अनाउंस किया जाता है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट फ्रीडम ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी को क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी को क्या हुआ था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना था और उसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था और जिस डे को इम्प्लीमेंट किया गया उसे उसी डे पर इम्प्लीमेंट क्यों किया गया जब वो बनकर पहले तैयार हो गया था तो आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कर इसके बाद आगे जो भी होता है सॉल्ट मार्च सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट स्टार्ट होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है ये सब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हाँ जब साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे उनके अगेंस्ट नारेबाजी हो रही थी तो पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय वो भी एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने लाठी चार्ज यानी कि लोगों को लाठी मारने का ऑर्डर दे दिया था और लाला लाजपत राय को इतनी लाठियाँ पड़ी कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी वो शहीद हो गए लेकिन मरते मरते उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर के अंदर जो एक, -एक लाठी पड़ी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताबूत में लगने वाली एक एक कील के समान है यानी कि मेरी डेथ ने मेरे मृत्यु ने ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत तैयार कर दिया है बहुत जल्द ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी एंड होने वाला है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया इफ़ यू लाइक माई वीडियोज दैन शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोज़ थैंक यू वेरी मच